और आप लोग जो भी लाइव देखते हैं क्रिकेट यहीं से दिखाया जाता है। आप लोग को तो शूटिंग का खाना हमेशा दिखाता हूं, लेकिन आज क्रिकेट का खाना दिखाता हूं कि क्रिकेट में कैसे खाना मिलता है। इस तरह का खाना आप लोग को मिलेगा। आज शूटिंग है मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का, जो कि IPL चल रहा है उसी का शूट है। और यहाँ पर मैं सारी सेटअप दिखाऊँगा कि हम लोग शूटिंग में क्या करेंगे यहाँ पर और कितना पैसा मिलेगा, यह सारी चीज़ दिखाऊँगा और खाना क्या क्या मिलेगा सारी चीज़ दिखाऊँगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो भाई काफ़ी खतरनाक होने वाला है। अभी मालूम है रात का 1 बज रहा है, अभी फ़ोन आया है हमको कि कल शूट पे जाना है। और मालूम है कौन चीज़ का शूट है? ये है मुंबई इंडियन, जो कि IPL चल रहा है ना, उसमें अपना शूटिंग चल रहा है। तो उसमें कल हमको जाना है, तो वहाँ का भाई वीडियो शूट करूँगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे क्या होता है। और वहाँ पर भाई हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, मतलब टीम का हर प्लेयर वहाँ पे आता है। तो उन लोग का भी कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए वहाँ पे कहाँ कहाँ लग रहता है। मैं पहले गया हूँ, लेकिन बहुत दिन पहले गया था। अभी ये मैं कल जाऊँगा तो दिखाऊँगा वहाँ का क्या क्या, कैसे कैसे सेटअप तैयार है। और अपना लाइट लगा हुआ है, और उसके बाद में वहाँ पे सेटअप जियो स्टूडियो में शूट है, वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। सब चीज़ का हम लोग शूटिंग करते हैं, क्या बोलते हो, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, मराठी, सब चीज़ का। क्रिकेट का भी शूट करता हूँ, जुआ का भी शूट करता हूँ, खाली एगो हाउ वीडियो का शूट नहीं करता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर कल मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारी एंट्री हो चुका है जियो स्टूडियो में, जो कि ये मुकेश अंबानी जी का स्टूडियो है। और यहीं पे हमारे मुंबई इंडियंस के जितने भी प्लेयर हैं रुके हुए हैं। और आप लोग जो भी लाइव देखते हैं क्रिकेट यहीं से दिखाया जाता है, और वो सारी सेटअप हम लोग लगाए हुए हैं। तो चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग जो ये जर्सी देख रहे हैं, ये 2008 से लेकर 2023 तक जो भी जर्सी में चेंजिंग आया है, वो सारी के सारी यहाँ पे जर्सी रखा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, पूरा के पूरा जर्सी रखा हुआ है यादगार के लिए और एक इतिहास के लिए रखा जाता है। और अभी चलिए, ये बहुत बड़ा स्टूडियो है, देख सकते हैं कितना लंबाई इसका है, और इसमें सबको अच्छा तरीके से सजा के रखा हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, देख सकते हैं इधर भी स्टूडियो है, और पूरा एक क्रिकेट का ही स्टूडियो बनाया हुआ है। और अभी मैं आप लोग को अंदर ले जाऊँगा, जहाँ पर हम लोग अपना लाइट का सेटअप तैयार किया हूँ। और यहाँ पे बहुत भाई सिक्योरिटी है, यहाँ पे जो भी आता है वो जूता पहन के आएगा और अच्छा कपड़ा पहन के ही आने का अंदर एंट्री है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चाहिए तब एंट्री है। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ से सेटअप चालू हो गया, देख सकते हैं। ये देख रहे हैं तीन अपना ये चेयर लगाया हुआ है, उसी पे बैठ के और यहाँ से आप लोग को लाइव बताया जाता है। यहाँ पे TV अभी ऑफ हो गया, देख सकते हैं मेरे देखने के बाद में TV ऑफ हो गया, और लाइट अपना देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लगाया गया है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे शूटिंग हम लोग का उसी दिन होता है जिस दिन मुंबई खेलता है उसी दिन, और नहीं तो उसके बाद में हम लोग घर पे रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना आदमी आया हुआ है और किस तरह से सेटअप लगा हुआ है। आपको जितने भी आदमी दिख रहा है ना, यही लोग है जो लाइव चलाता है, कोई आवाज़ रिकॉर्ड करता है, तो कोई ऐड लगाता है। हम लोग जो लाइव देखते हैं ना, यही लोग दिखाते हैं और यहीं से सब दिखाया जाता है। तो अभी एंट्री हो चुका है ईशान किशन जी का, और उनके पीछे जो है वो कोच है, और हार्दिक पांड्या जी का भी एंट्री हो चुका है, और पीछे पीछे उनके एक कैमरामैन रहता है, और ये लड़की मेकअप आर्टिस्ट है जो उन लोग का मेकअप करती है। इनका तो भाई मैं नाम ही भूल गया हूँ, आप लोग थोड़ा बता दीजिए कमेंट में क्या नाम है, ऐसे बहुत मारते हैं। तो अभी देख सकते हैं फोटो शूट हो रहा है, फोटो शूट होने के बाद में सीधे निकल जाएंगे ये लोग वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे आज क्रिकेट है। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, आज शूटिंग का तो बहुत सारा खाना दिखाया हूँ, लेकिन आज ये देख सकते हैं क्रिकेट में जो हम लोग शूटिंग करने आए हैं वर्करों के लिए खाना है। यहाँ पे है भाई केरा के पत्ता, उस पर खाना है, प्लेट भी है जिसपे भी आपको मर्जी है खा सकते हो। और उसके बाद में हर प्लेट के ऊपर केरा के पत्ता रखा जा रहा है। तो चलिए, हम लोग का ब्रेक हो गया, तो बोले कि सबको जाके खाना खा लो, तो हम लोग आ गए खाने। तो सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ क्या क्या खाना रहता है। और भाई इसमें ऐसा नहीं रहता है कि एक प्लेट ले लो खा लो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, आपको जितना इच्छा है खा सकते हो, जितना बार लेना है ले सकते हो, इस तरह से यहाँ पे खाना रहता है, कोई इसमें रुकावट नहीं रहता है। तो भाई मैं तो एक प्लेट ले लिया, इसमें अब जगह नहीं था, तो अब सोचे कि बाद में फिर लेते हैं, तो इतना भी खा रहे हैं। आए को कैमरा मैन मैं भी अपने पीछे पीछे रखा हूँ, देख रहे हैं ना, ये भी मेरा। तो खाने के बाद हम लोग का यहाँ पे कुर्सी रहता है, यहीं पर आके हम लोग को बैठना है आराम से। यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी वर्कर रहता है आके यहाँ पर खाना खा के आराम करता है, बैठता है, और अंदर में उधर लाइव चलता है शूटिंग का, जो भी IPL चल रहा है उसका लाइव चलाया जाता है अंदर में। तो वहाँ पे वर्कर नहीं रहता है, सबको यहाँ पे भेज दिया जाता है जो भी कुर्सी लगाया हुआ है। देख सकते हैं बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है आपको,
बाजू में ही मैरिन ड्राइव है, वो भी आपको दिखाता हूँ, उस साइड से दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे होटल है। तो ये देखिए अब आ चुके हैं आप लोग मैरिन ड्राइव की तरफ। तो ये है यहाँ से ऊपर से मैरिन ड्राइव आप लोग को दिख रहा है, ये सामने सामने ये मैरिन ड्राइव है जहाँ पे काफ़ी कपल लोग आते हैं, हर आदमी वहाँ पे जाता है घूमने एंजॉय करने, और काफ़ी अच्छा जगह है, आप भी जाके घूमो एक बार। कुछ इस तरह से पेश कर रहे हैं आप लोग के बीच में मैरिन ड्राइव का नज़ारा, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अभी भी देखिए कितना लोग वहाँ पे है, छोटा छोटा दिख रहा है। अब जैसे शाम का 6 बजा था, नाश्ता भी आ गया था, सोचा कि आप लोग को मैं नाश्तावा भी दिखा देता हूँ। तो नाश्ता में यही सब रहता है, पाव और बड़ा पाव भी रहता है, ये पोहा भी रहता है, और इस साबूदाना भी रहता है, और ये अंडा भी रहता है, तो बहुत सारा आइटम रहता है। तो भाई रात हो चुका है और मुंबई इंडियंस जीत चुका है भाई, तो आज काफ़ी खुश हूँ क्योंकि भाई रोहित शर्मा काफ़ी मारे और ईशान किशन जी भाई काफ़ी मारे, सब प्लेयर आज अच्छा खेला, खाली सूर्य कुमार यादव जो 0 पे आउट हो गए, लेकिन आज उनका ही लक था जो मुंबई आज जीता। तो ये भाई मैं तो मानता हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग को बता दूँ कि यहाँ हम लोग को कितना पैसा मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 1500 रुपया मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब